फंसा हुआ है और कितने असलहे बरामद हुए? जी कल रात में 8/5/2024 को थाना मोतीपुर के क्षेत्र से एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। बहुत लंबे समय से इस लीड पे काम हो रहा था कि नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर क्षेत्र है जनपद बहराइच का, वहां पर एक अवैध शस्त्रों के निर्माण की फैक्ट्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर लंबे समय से एसओजी काम कर रही थी और अंत में सघन प्रयास के बाद कल इसमें हमें सफलता मिल सकी है। 8 बने हुए तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद किए गए हैं और एक अभियुक्त संतराम पुत्र हीरालाल, जो कि ये शस्त्र बनाकर बेचता था, उसकी गिरफ्तारी कल मोतीपुर थाना क्षेत्र से की गई है। मैम, क्या लगता है कहां तक पहुंच जारी है? चाहे इन असलहों का प्रयोग इस चुनाव में भी होने की संभावना थी? जी, वो तो कभी भी कहा नहीं जा सकता और इसीलिए लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत विशेष रूप से पुलिस प्रयासरत है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां जो कि अवैध तमंचों से कारित की जा सकती हैं या किसी भी प्रकार की समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। इसीलिए हम इतने प्रयासरत थे कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां जनपद में संचालित हैं तो जल्द से जल्द उन पर नियंत्रण। ये रहने वाला कहां का है? ये लखीमपुर की। मैम, पहले भी कोई इस मामले में ये लोग पकड़े गए हैं? अभी ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है, पर ये सब विवेचना का विषय है कि यदि इनके अन्य कोई साथी हैं, क्या क्या स्थान इनका कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ तक अपने सामान को बेचते हैं, ये सब बातें विवेचना में स्पष्ट।